मध्य प्रदेश के दमोह के गंगा जमुना स्कूल में हिजाब और धर्मांतरण मामले से गुस्साए बीजेपी नेताओं ने 6 जून को जिला शिक्षा अधिकारी पर कालिक फेंकी क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल को क्लीन चिट दे दी थी गंगा जमुना स्कूल में जिस तरह से हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनने दुआ पढ़ने और धर्मांतरण का मामला उजागर हुआ है उसके बाद लगातार नए नए खुलासे होते जा रहे हैं अब स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने भी कई आरोप स्कूल प्रबंधन पर लगाए हैं वहीं बीजेपी नेताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी एस के मिश्रा पर सिही फेंक कर अपना विरोध जताया क्योंकि जब मामले की शुरुआत हुई थी तब जिला शिक्षा अधिकारी ने गंगा जमुना स्कूल को क्लीन चिट दे दी थी और तब से हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहा है बीजेपी का कहना है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने गंगा जमुना स्कूल से पैसे लेकर मामला रफा दफा कर दिया था ये पूरे हिंदू समाज को अपमानित करता है और इसलिए उनके मुंह पर कालिक फेंकी है बता दें हाल ही में स्कूल का एक पोस्टर सामने आया था जिसमें हिंदू लड़कियां हिजाब पहने हुई थी इस पोस्टर के सामने आने के बाद अभिभावकों ने स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई